हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंडे के पकोड़े। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और स्वागत है आपका मेरे चैनल मम्मास फूड कॉर्नर में। इसके लिए हमें चाहिए 4 अंडे, 1 कटोरी बेसन, चाट मसाला, ऑयल डीप फ्राइंग के लिए, सूखे मसाले और थोड़ा सा खाने का सोडा। सबसे पहले हम अंडों को उबलने के लिए रख देंगे। इसे करीब मीडियम फ्लेम पे हमें 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से हार्ड बॉईल करना है। तब तक हम हमारा बैटर तैयार कर लेते हैं। 1 कटोरी बेसन जो है हमारा, वो हम ले लेंगे एक बड़े बाउल में, और उसमें अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। ये हाफ टी स्पून डाला है मैंने यहाँ, और 1/4 से भी थोड़ा सा कम टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है, और करीब 1/4 टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मिर्च पाउडर डाला है, और 1/4 टी स्पून गरम मसाला डाला है। 1/4 टी स्पून ही हमें चाट मसाला भी डालना है, और थोड़ी सी हींग डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गाढ़ा सा बैटर बनाना है हमें। इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बहुत गाढ़ा भी नहीं। मैं आपको बताऊंगी किस हिसाब से अपने को बनाना है। इसमें करीब करीब 1 कटोरी बेसन में लगभग 1 कटोरी ही मेरा पानी डाला था। आप अपने हिसाब से और देख लीजिए, गाढ़ा थोड़ा बैटर बनाना है हमें। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा बैटर हमने पानी डाल के अच्छे से बनाया है बिल्कुल, और इसे अच्छे से स्मूथ फेंटना है हमें थोड़ा। ये देखिए, जैसे हम केक का बैटर बनाते हैं थोड़ा सा गाढ़ा सा, उस टाइप से हमारा बैटर ये रेडी है। अब ये अच्छे से फेंटने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून खाने का सोडा मिलाएंगे, और इसे फिर हल्के हाथ से और थोड़ा सा फेंट लेंगे। इसमें हम हरा धनिया थोड़ा सा फ्रेश काट के डाल देंगे। और ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये हमारे जो अंडे हैं वो उबल के रेडी हैं, हमने छील के इसे तैयार कर लिया है। अब इसे हम हाफ कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे पूरे का भी बना सकते हैं पकोड़ा, लेकिन मैं इसे हाफ हाफ करके ही बनाऊंगी। अब ऑयल हमने रख दिया है यहाँ डीप फ्राई करने के लिए। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें फिर बिल्कुल आहिस्ता से इसे डुबो के आधा आधा अंडा जो है वो बिल्कुल हल्के हाथ से इसको धीरे से डालेंगे। इसकी जो पीला हिस्सा है वो ना बाहर आए एकदम हल्के हाथ से, इसलिए हमें बिल्कुल धीरे धीरे से ही ऐसे इस तरह से इसमें डिप करके घोल में और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको डालना है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक के फ्राई हो जाए। ये देखने में बिल्कुल आलू बड़े जैसे ही लगेंगे, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है और बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब ये जो ऑयल है हम इस पर हल्का सा ऊपर डालेंगे ताकि ऊपर का हिस्सा जो थोड़ा सा नरम रह जाता है फिर वो पलटने में ख़राब होता है, इसलिए इसको हल्का सा हम गर्म तेल ऊपर डालेंगे जिससे ऊपर की स्किन जो उसकी हार्ड हो जाए थोड़ी। और इसे फिर हम एक फोक की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से पलटेंगे बिल्कुल। ये देखिए, हमारे जो है पकोड़े हैं अंडे के, वो ब्राउन हो चुके हैं एक तरफ से। अब इसे अच्छे से हमें गोल्डन फ्राई करना है बिल्कुल, और आप अपने पसंद के हिसाब से इसे थोड़ा सा कड़क या थोड़ा सा नरम रख सकते हैं। मैंने यहाँ हल्का सा कड़क ही किया है क्योंकि क्रिस्प थोड़े अच्छे लगते हैं। ये देखिए, एकदम बढ़िया हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। और इसे सिर्फ अंडे उबलने में ही टाइम लगता है, बाकी बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अब इसके हम गरम गरम पे ही थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से छिड़क कर, और हल्का सा इसमें मैंने जीरावन मसाला जो होता है वो छिड़का है, और इसे बिल्कुल गरम गरम आप किसी भी चटनी या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली रेसिपी है, और बारिश के सीज़न में अगर हमारा जब भी मन हो पकौड़े खाने का तो हम ये ट्राई कर सकते हैं। और मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं वो इसमें आलू या फिर पनीर डाल के बना सकते हैं पकौड़े, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, मैं अंदर से इसको हाफ़ करके बता रही हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।